बीकानेर जिले से होकर गुजर रही भारतमाला सड़क पर 754 के कट पॉइंट इंटरचेंज की मांग को लेकर धरना जारी है। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने कर्मचारी रुनिया अड़ावास और आसपास के 22 गांव के ग्रामीण धरना दे रहे हैं। सोमवार को इस धरने में राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी, पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, अम्बेडकर विद्यापीठ के चेयरमैन मदन मेघवाल, युवा कांग्रेसी नेता राजेंद्र मुंड सहित कई आरएलडी नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर डूडी ने कहा कि ग्रामीणों के साथ गलत हो रहा है, भारतमाला सड़क के निर्माण के समय ये सब सोचना चाहिए था लेकिन नहीं सोचा गया, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। मौके पर बीकानेर के A1 टीवी संवाददाता के सिंह ने पहुंचकर जायजा लिया और बातचीत की धरना स्थल पर बैठे नेताओं से। सम्मानित मंच, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने कर्मचारी मैदान में लगातार ये धरना जारी है। आज धरने की खास बात अगर हम करें तो इस धरने में देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग आए हैं और इन लोगों की मांग है कि रूनिया बड़ावास की ग्रीन वे एक्सप्रेस वे के अंदर एक कट रास्ता बनाने की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर ये जो तमाम पार्टी के नेता है वो बराबर आपको यहाँ पर धरने पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, बात करना चाहेंगे यहाँ पे तमाम लोग, देख सकते हैं भारत माला सड़क परियोजना है 754 के में माना जा सकता है कि परियोजना में बात करते हैं, बात करना चाहेंगे। रामेश्वर डूडी हैं एग्रो बोर्ड के चेयरमैन, क्या सर क्या कहेंगे? देखो आज हमारे लोन कंसेप्ट के जो रूनिया पास है वो नो पास है, इसमें करीब जो उन पासों के अंदर 50 गांव से ज्यादा हमारे किसान भाई और जवान किसान आए हुए हैं, उनकी एक ही मांग है कि जो भारतमाला का जो प्रोजेक्ट है जो जामनगर जो जा रहा है पंजाब से उस पे, क्योंकि वहाँ जसनाथ जी महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है खतरिया सर, रानी सर के अंदर रानी छुट्टी का मंदिर है, भला ऐसे 3-4 धार्मिक स्थल है जिसमें पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं। इन लोगों की एक ही मांग है कि इन्होंने अपनी जमीनें दी, जमीनें देखी और ये प्रोजेक्ट बना, उसमें इनकी एक मांग है कि वहाँ इंटरचेंज जो है दिया जाए, ये कट पॉइंट मतलब इंटरचेंज कट पॉइंट तक वहाँ से उतर सके, वहाँ के लोग वापस उस पर चढ़ सके, ऐसे जो है इंटरचेंज का जो है इन्होंने अपनी मांग रखी, उनकी मांग बहुत वाजिब है, साथ में कई मांग है। आंदोलन जारी रहेगा जब तक जो है सरकार, ये सारा मामला जो केंद्र सरकार का है, हमारी सरकार से निवेदन कर रहा है कि सरकार जो हम किसानों के साथ है, कि किसानों की मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग किसानों के साथ हैं और उसकी आवाज दिल्ली के अंदर उठाएंगे। दिल्ली के जो इनके बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, चाहे केंद्र के मंत्री हैं आपके, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी हैं और प्रधानमंत्री जी तक का हम ज्ञापन दे रहे हैं, आज ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम, गडकरी के नाम और आपके इनके अध्यक्ष के नाम से और एक हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम से, देखिए अपन देखें तो हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार पूरी कंप्लीटली किसानों के साथ में है और किसानों की मांग बहुत वाजिब है। आने वाले समय के अंदर मैं पूरा ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसान जब तक नहीं हटेगा तब तक उसकी मांग को पूरा माना नहीं जाए और वो इंटरचेंज जो है ना किया नहीं जाए तब तक किसान हटेगा। देखिए राजस्थान के पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, बात करना चाहिए। ये जो धरना जो जारी है यहाँ बीकानेर में पहली बार है, देखिए आज 11वां दिन है, शेरे रापर पचासों गांव के बीच की जगह पर जो सड़क का निर्माण हो रहा है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, इसका इंटरचेंज की मांग वहाँ के लोग कर रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है किसानों का, एक ये पूरे जिले के अंदर कहिए कि इस रोड के बीच का एक केंद्र बिंदु है, भविष्य को देखते हुए ये इंटरचेंज जो नजरअंदाज हो गया आज तकनीकी कारणों से वो यहाँ पर कायम किया जाए, चाहे वो इंटरचेंज हो चाहे कट पॉइंट हो, कुल मिलाकर के यहाँ के क्षेत्र के लोग एक्सेस चाहते हैं, अप एंड डाउन चाहते हैं, जिससे बहुत बड़ा इलाका चाहे वो कुंद्रा सर की बात करें चाहे कतरिया सर की बात करें, इस सबको लाभान्वित किए जाने के लिए ये बनना निहितार्थ है। ये अम्बेडकर विद्यापीठ के डीजी है महानिदेशक मदन मेघवाल की बात करेंगे, क्या कहेंगे सर?
आपका लोकसभा क्षेत्र है, आप यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, क्या कहेंगे अभी तक क्यों नहीं, क्या कुछ हो रहा है, क्यों ऐसा? देखिए जनता की जो ये मांग है, इस इलाके के क्षेत्र के लोगों की मांग है, ये बिल्कुल एकदम वाजिब मांग है और करनी चाहिए, लेकिन जो अभी सरकार है वो अहंकार में डूब करके कि वो किसी की बात नहीं सुनती, इसलिए ये बात को नहीं मान रही है। ये जो किसान निकला है ये मनवा के रहेगा, इस यहाँ का जो सांसद है उनका ये पहला कर्तव्य बनता है कि वो जब जनता सड़क पर है संघर्ष कर रही है तो वो जनता की मांग को उसी स्तर पर उठा करके उसका हक दिलवाएं। मैं इसी चीज के साथ जो ये मांग कर रहे हैं उन मांग का समर्थन करने के लिए हाजिर हुई यहाँ। कश्मीर में तमाम नेता और लोग हैं जो रोहिया बड़ाबाद से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बराबर यहाँ पर धरना लगा रहे हैं, सुबह से ये धरना जारी है, देख सकते हैं रोहिया बड़ाबाद भारत माला जो सड़क प्रोजेक्ट है उसका ये धरना है, 754 के लिए कट पॉइंट की मांग को लेकर ये बराबर ये लोग धरना दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भीड़ की अगर हम बात करें तो सैकड़ों हजारों की तादाद में भीड़ भी आपको नजर आ रही है, देखने वाली बात ये होगी कब क्या परिणाम सामने आता है। KK सिंह A1 TV बीकानेर।